स्टैंड ओवर शायद मैंने उस बारे में लाइटिंग लाइब्रेरी चैनल से बातें कर रही हूँ तो मैंने कहा था कि मैं आपको स्टैंड ओवर की फुल डिटेल बताऊंगा पिछली एपिसोड में। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें अगर आपने घड़ी वगैरह चलानी है, घड़ी टाइम डेट दिन कुछ भी चलाना है तो वो आप कैसे चलाएंगे। तो चले आए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें करना है हमने सारा काम। तो यही मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये HD का सॉफ्टवेयर है तो हम ये ओपन कर लेते हैं। HD 2016 ये वाला हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और यही हमने इसमें लिखाई करके रखी हुई थी इसके लिए। असल में एक वीडियो बनाऊंगा तो वो बड़ी हो जाती है, मैंने कहा इसलिए आपके लिए हर चीज के लिए अलग-अलग एक वीडियो बना देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे पिछली वीडियो में आपको अगर आपको नहीं देखी हुई तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं इससे। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कैसे आपने साइज बताना है, कैसे प्रोग्राम लेना है, कैसे टेक्स्ट लेना है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम तो वही रहेगा जैसे है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये अगर अभी इसमें यहाँ पे कुछ भी ना हो, ये हमारे पास अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने स्क्रीन सेट कर ली थी, उसके बाद हम इसमें ये प्रोग्राम ले लेते हैं। प्रोग्राम लेने के बाद हम इसमें अब अगर हमने टाइम चलाना है, हमने इसमें बता रहे हैं आपको घड़ी चलाने के लिए, तो ये इस पर टाइम लिखा होता है, आपने ये टाइम पे क्लिक करना है, ये आपके सामने आ जाएगा, आपने ये टाइम ले लिया। अब इसके बाद आपको नीचे काफी सारे टिक मार्क हुए आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें लिखा रहा है शो डेट, शो वीक, शो टाइम। तो आपने इसमें अगर टाइम चलाना है तो टाइम करेंगे, वीक अगर आपने डेट चलानी है डेट, और अगर आपने वीक दिन चलाने हैं तो वो करेंगे। अभी हम इसमें आपको टाइम चला के दिखाते हैं। इस पे से मैंने खत्म कर दिया टिक मार्क, इस पे से खत्म कर दिया, ये सिर्फ रह गया शो टाइम पे। ये आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन के ऊपर, ये इस टाइम इसके ऊपर शो टाइम आ रहा है। तो इसके अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ये 24 आवर वाली क्लॉक चले तो ये 24 आवर वाली क्लॉक चल रही है, अगर आप इसमें 12 घंटे वाली चलाना चाहते हैं तो 12 घंटे वाली भी चल सकती है, और इसके अलावा अगर आप AM और PM शो हो आगे सेकंड के अलावा तो वो भी हो सकता है। जैसे कि हम ये वाली क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे ये इसके ऊपर 5:33 और PM बता रहा है। आप इधर से इसका फाउंट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा फाउंट आपको जरूरत हो, उसके अलावा आप इसको बड़ा कर सकते हैं, साइज को ये बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपको अंदाजा हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखें ये घड़ी इसके हिसाब से साइज के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमने सिर्फ ये चलानी है कि क्लॉक चले उसमें AM और PM भी ना आए तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आवर और मिनट लिखे हुए हैं, तो ये आवर और मिनट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया 24 घंटे वाली। अगर अब आपने इसको 12 घंटे की क्लॉक चलानी है तो आपने यहाँ पे जाना है, ये इस ऑप्शन में जाना है टाइम लैग में, तो ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ये जीरो हुआ है, आपने इसको 12 आवर कर देना है कि आपने 12 घंटे की चलानी है, तो ये आ गया आपके 5:34, मतलब अभी शाम का टाइम है और 5:34 ही हो रहे हैं। तो अगली चीज मैं आपको बताता हूँ जो इसमें बहुत जरूरी है कि इसमें अब उसमें साइन बोर्ड में इसका टाइम कैसे जाएगा। तो ये मैंने घड़ी का साइज इसके हिसाब से कर दिया, इसके डिस्प्ले के अंदर के लिए मैंने पूरा कर दिया इसका घड़ी का साइज। तो अब ये डबल साइड साइन बोर्ड था, इस साइड पे भी घड़ी आ जाए और इस साइड पे भी घड़ी आ जाए। तो ये हमने जो उनसे टाइम का ये इधर ये जो उनसे ये फाइल बनाई हुई है टाइम की, इसको हम कॉपी करेंगे, ये कॉपी करने के बाद हमने ये पेस्ट कर देनी है, पेस्ट करेंगे तो इसी के ऊपर एक और आ गई है तो हम इसको इस साइड पे कर देंगे। तो बस इसके बाद अब आपने इसमें USB लिखानी है, कंप्यूटर में आपने USB लिखाएं, आपने करना ये है कि ये यू डिस्क जो लिखा हुआ है, जैसे कोई भी लिखाई करते हैं तो आपने प्रोग्राम करने के लिए यू डिस्क पे क्लिक करना होता है, अभी भी आपने ये यू डिस्क के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें जो सबसे एक जरूरी बात है ना वो ये है कि एडजस्ट टाइम, ये टाइम आपको दिखाएगा कौन सा, जो आपका कंप्यूटर का लैपटॉप का जो टाइम होगा वही इस डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाएगा, और उसके बाद आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही बस कंप्यूटर में ही अंदर इसके टाइम चलता रहता है। और इसके अंदर जो सेल लगा होता है इस कार्ड के अंदर वो उधर से ही टाइम खुद ही, अगर बंद भी करते हैं आप इसको तो महीने बाद भी ऑन करें तो टाइम इसके अंदर मेमोरी में चलता रहता है, इसकी जो अपनी IC होती है वो अंदर टाइम चलाती रहती है। बहरहाल आपने इस पर क्लिक करना है एडजस्ट टाइम के ऊपर, ये आपने एडजस्ट टाइम पे और क्लिक करना है। उसके अलावा ये आपका जो सा यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपने मतलब यहाँ से वहां लगने में अगर आपको एक मिनट लगता है तो आप ये टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आपने ये मिनट्स पे क्लिक किया और ये हमने ऊपर कर लिया। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट फाइल करेंगे, जो टाइम आपका यहाँ पे या जो टाइम आपका यहाँ पे कंप्यूटर पे शो हो रहा है वही उसके अंदर आएगा। अगर आपने अभी ये USB कॉपी कर ली और आपने 10 मिनट के बाद लगाई है तो उस पर टाइम 10 मिनट का पहले का ही आ रहा होगा। ये एक्सपोर्ट फाइल हमने की और ये हमने इसके बाद बस ये USB निकाल लेनी है और ये हमने वहां पे लगा देनी है USB। हमने USB की पोर्ट निकली हुई है साइन बोर्ड की, तो बस इसमें हमने लगानी है और इसमें साथ ही आ जाएगा USB। ओके, तो ये देखें ये हमारी क्लॉक आ गई। तो अब इस घड़ी का ये है कि अगर आप इसको बंद करके ऑन करेंगे तो भी इसका टाइम ठीक होगा। अभी मैं आपको बंद करके ऑन करके दिखाता हूँ, ये हमने ऑफ कर दी। अगर हम इसको 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद, 10 घंटे बाद जब भी ऑन करेंगे तो इसका टाइम ठीक होगा। तो ये देखें अब हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद जो इस टाइम का टाइम हो रहा है वो इसके अंदर इस टाइम टाइम आ रहा होगा।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।